पंडित श्री मनोज तिवारी जी से कहेंगे कि आप एक बढ़िया भोजपुरी गीत सुनाओ। हो जाए, सुनाई दे रहो, पीछे सुनाई दे रहो, हमारी आवाज आ रही। उसे ही कमजोर से काया हो, नवरात्रि व्रत चल रहा हो का है? व्रत तो नहीं है। हम आपको कहेंगे कि आप बढ़िया एक बढ़िया एक या दो दो के एक है? दो आओ, तो दो भजन बढ़िया आप सुनावे, वही में सब जने बढ़िया धूम मचाओ, फिर आरती हो जाए। ठीक है, बोलो बागेश्वर धाम की। दोनों हाथ उठा के बोलिए बागेश्वर बालाजी महाराज की। नर्मदा मैया की, नर्मदेश्वर महादेव की, मेरा सौभाग्य जागे जो नर्मदा जी गांव आए हैं। मेरा सौभाग्य जागे नर्मदा जी गांव आए हैं। जबलपुर में बागेश्वर धाम श्री सरकार आए, हे नर्मदा के वासी माँ का ध्यान सजाए रखना, अपनी अपने मात पिता को। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, बागेश्वर सरकार भी कहते हैं और बड़े बड़े संत महात्मा यही कहते हैं कि अपने मात पिता को सब भगवान बनाए रखना, भगवान बनाए रखना। गुरुजी मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि यहां जो लोग जहां जहां दिखाई दे रहे हैं, दूर दूर तक, जी भैया मैं जबलपुर कई बार आया हूं, मैंने जबलपुर में भक्ति की ऐसी नर्मदा बहते पहली बार देख रहा हूं। कहां तक लोग बैठे हैं हमें नहीं पता, लेकिन आवाज सबके कानों तक पहुंच रही है। और मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि राम मानव भी है, राम ईश्वर भी है, राम सृष्टि भी है, राम सृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है। तो राम के जीवन से कुछ चुरा लीजिए, थोड़ी मर्यादा खुद में जगा लीजिए। तो मैं बैठे बैठे गीत सोच रहा था कि जीवन जीने की कला हो राम की तरह, जीवन जीने की कला। वो राम जो इंसान है, वो राम जो मानव है, वो राम जो दशरथ जी के पुत्र हैं, कि जीवन जीने की कला हो राम की तरह, भक्ति दिल में बसाए लो हनुमान की तरह, भक्ति दिल में बसाए लो हनुमान की तरह, जीवन जीने की कला हो
भक्ति दिल में बसा ले हनुमान की तरह, भक्ति दिल में बसा ले हनुमान की तरह। जीवन जीने की कला हो राम की तरह, जीवन जीने की कला हो राम की तरह। आप लोग भी गा रहे हैं ना, आप लोग गावत तो नहीं जानो, जकरा गावे के बाद गा ले, मैं भी आप ही की तरह बागेश्वर धाम का एक भक्त हूं, एक सेवक हूं, एक पुजारी हूं। मैं भी आप ही की तरह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुरु जी का एक शिष्य हूं। भक्ति दिल में बसाए लो हनुमान की तरह, भक्ति दिल में बसाए लो हनुमान की तरह। जीवन जीने की कला हो राम की तरह, जीवन जीने की कला हो राम की तरह। जीवन जीने की कला हो राम की तरह, तारे थे ना। प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल याद बा ना, प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात अगली लाइन तो आपको पता ही होगी। मात पिता गुरु नाम ही माथा, मात ओ नर्मदा के वासी, अगर आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुरु जी के बातों को ध्यान से सुनते हैं तो बहुत सारी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओ नर्मदा के वासी मैया का ध्यान रखना, ओ नर्मदा के वासी मैया का ध्यान रखना। मैया मतलब नर्मदा मैया, वो नदी नहीं है, वो माँ है। जैसे गंगा जैसे जमुना वैसी ही नर्मदा मैया, जैसे गंगा वैसे जमुना वैसी ही नर्मदा मैया। ओ नर्मदा के वासी मैया का ध्यान रखना, ओ नर्मदा के वासी मैया का ध्यान रखना। हे नर्मदे स्वर महादेव, हे नर्मदे स्वर महादेव तुम इनका मान रखना, हे नर्मदे स्वर महादेव तुम इनका मान रखना। कृपा हो सकती है, बागेश्वर धाम की तरह कृपा हो सकती है, बागेश्वर धाम की तरह। भक्ति बसा लो दिल में हनुमान की तरह, भक्ति बसा लो दिल में हनुमान की तरह। जीवन जीने की कला हो राम की तरह, जीवन जीने की कला हो राम की तरह।
सुशील भाई, सुशील तिवारी जी, इंदु, ये तो बड़ा यज्ञ कर रहे हैं गुरु जी, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कभी कभी धरती जाग जाती है और सुशील तिवारी जैसे लोगों को आयोजन के लिए प्रेरित कर देती है। गुरु जी माता पिता को मानिए, माता पिता को मानिए, माता पिता को मानिए, माता पिता को मानिए, दोनों हाथ उठा के दो सब लोग उठा गुरु जी को शपथ देते हैं हम लोग करेंगे। माता पिता को मानिए, माता पिता को मानिए, भगवान की तरह, भगवान की तरह भक्ति हृदय में लाइए, हनुमान की तरह भक्ति हृदय में लाइए, हनुमान की तरह भक्ति हृदय आपके मुंह से जब सुनता हूं सत्य सनातन की बातें सुनता हूं। पिछले दो चार दिन से सब पौड़े जा रहे हैं, जिसको देखो जबलपुर में दौड़े जा रहे हैं, जिसको देखो जबलपुर में दौड़े जा रहे हैं। सत्य सनातन जाग रहा, सत्य सनातन जाग रहा, सत्य सनातन जाग रहा, सत्य सनातन जाग रहा। कैसा जाग रहा है? वैसा ही जैसे हजारों साल पहले हिंदुस्तान में था। सत्य सनातन जाग रहा, सत्य सनातन जाग रहा, हिंदुस्तान की तरह, हिंदुस्तान की तरह। और दोनों हाथ उठा के आप ही गाइए, दिल में बसाए भक्ति हनुमान की तरह, दिल में बसाए भक्ति हनुमान की तरह। चाहता हूं गुरु जी इनके लिए, बढ़ते रहो सुशील भैया पहलवान की तरह, दिल में बसाए हनुमान की तरह, दिल में बसाओ हनुमान की तरह। गुरु जी जब मैं यहां आया तो मुझे एयरपोर्ट से हमारे यहां सुशील जी के हम सब के बड़े भाई हैं राकेश सिंह जी, यहाँ के सांसद हैं, वो मुझे आज पहली बार फ्लाइट के अंदर से ही गाड़ी में बिठवा दिए। मैंने पूछा भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, बोले आप बागेश्वर धाम सरकार की कथा में आए, कथा में आने से इतना स्वागत, आप सब ये जो कुंभ लगा हुआ है आजकल, सुशील जी से मैं बोल रहा था, वैसे तो कुंभ इस धरती पर हरिद्वार में लगता है, प्रयाग में लगता है और भी उज्जैन में लगता है, लगता है ना जी, लेकिन आजकल एक अर्ध कुंभ लगने लगा है, जहां जहां बागेश्वर बालाजी की कथा होती है वहां भी कुंभ लगने लगा है। अरे दिल में बसा लो भक्ति, बसा लो दिल में हनुमान की तरह, भक्ति बसा लो दिल में हनुमान की तरह।
से बोलिए बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। हम अक्सर आजकल गाना गाते हैं, अरे बवंडर मचवले बाहो गुरु जी, बवंडर मचवले बा सनातन पंथ के गो सेवकवा, जगत में बवंडर मचोले बा। जहां तलक बस चले सदा सत्य सनातन जगवले रहिहा। हे जबलपुर के भाई बहन ई भाव बनवले रहिहा। ओम नमः पार्वती पते हारा हारा महा।